हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस थैली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से और उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग्स को और फिर लाइन्स को और माउंट्स का एनालिसिस करते हुए इस पूरी थैली का एनालिसिस कम्प्लीट करेंगे। तो मैं साथ साथ ड्रॉ करते जा रहा हूँ आप सबके लिए ताकि समझने में आपको ईजी रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे फिंगर्स का गैप दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मल हैंड को रखने पर जो गैप बनता है, तो यह गैप फिंगर्स के बीच में होना यानी कि फ्रीडम की डिज़ायर बहुत ज़्यादा, व्यक्ति थोड़ा रेबलिन क्वालिटी का हो सकता है और इसकी वजह से फ्रीडम सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ऐसे लोगों को जिनके हाथ में इस तरह का कुछ गैप बनता हो। तो यहाँ पर सीधी लाइनें नज़र आ रही हैं मुझे, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी जो सीधी लाइनें फिंगर्स के फर्स्ट फैलेंज पे हैं या सेकंड पे दिखाई दे रही हैं। यह व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाती हैं और जिनके हाथ पे ऐसी लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी अच्छा स्वभाव भी इससे उभर कर सामने आता है। आगे बढ़ रहे हैं, फिंगर्स की लेंथ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर लेंथ की बात की जाए तो लगभग जो अपोलो की फिंगर है मुझे ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है और थोड़ी सी जो तर्जनी है अपोलो के मुकाबले थोड़ी सी छोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वैसे काफ़ी स्ट्रेट है तर्जनी भी और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, तो एनर्जी और स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी सूर्य की, यानी कि आर्ट से रिलेटेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव रहेगा और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी एवरेज रहेंगी इनके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तर्जनी जो है वो लंबी नहीं है। अगर बात की जाए मर्करी फिंगर की, तो मर्करी फिंगर यहाँ पर लगभग इस फैलेंज तक ही पहुँच रही है, फर्स्ट फैलेंज की लाइन तक ही पहुँच पा रही है और जो बेस इनका सबसे छोटा नीचे वाला फैलेंज है ये काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा लंबाई में यह फिंगर नहीं है। तो कह सकता हूँ कि शाइनेस रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रह सकती है और ख़ास तौर पर मंच के ऊपर बोलना और बहुत ज़्यादा लोगों के सामने या स्ट्रेंजर्स के सामने बात करते वक्त थोड़ी सी झिझक जो होती है वह इनके अंदर रह सकती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, फिंगर्स की सेटिंग को चेक करते हैं फिर माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बता रहे हैं। अगर यहाँ पर सेटिंग की बात की जाए तो फिंगर्स काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं, कोई भी फिंगर मुझे ज़्यादा लो सेट नज़र नहीं आ रही। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लाइन सीधी ड्रॉ हो रही है तो सेटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ रहे हैं, माउंट्स को चेक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा यहाँ पर ताकि माउंट्स क्लियरली हमें दिखाई दे सकें। तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर पिक है इनकी माउंट्स की, तो माउंट्स को काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रखी है यहाँ पर। और मर्करी से शुरू करते हैं, मर्करी का माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी रहेंगी इसकी वजह से, माउंट की वजह से जो कम्युनिकेशन में रहेगा, लेकिन जो फिंगर की लेंथ है उसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, अदरवाइज माउंट में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो यह कुछ कवर कर रहा है उस चीज़ को और एक सीधी लाइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से मर्करी के कुछ अच्छे रिजल्ट इनको मिल सकते हैं। और यहाँ तक बात है बिजनेस की, तो बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, इनके लिए जॉब करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मर्करी की फिंगर अगर काफ़ी स्ट्रांग हो तभी व्यक्ति को बिजनेस में जाना चाहिए। तो आगे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इनका अपोलो माउंट है, अपोलो माउंट थोड़ा फ्लैट नज़र आ रहा है मुझे, अपोलो के ऊपर एक सीधी लाइन पहुँच रही है जो इनको थोड़ा सा बेनिफिट दे सकती है फ्यूचर में चलकर, लेकिन ओल्ड एज में जाकर, लेकिन अपोलो का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनके सैटर्न माउंट की यानी कि शनि की, तो सैटर्न का माउंट भी एवरेज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं है और काफ़ी अच्छी सैटर्न की लाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यह कुछ गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन दूसरी साइड इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसको गर्डल ऑफ वीनस नहीं माना जा सकता, तो इसको हम असिस्टेंट लाइन मानेंगे हार्ट की लाइन की। तो काफ़ी अच्छी सैटर्न की लाइन ऊपर तक पहुंच रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल इनके लिए रहेगा यह। आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं इनके बृहस्पति के माउंट को, गुरु को। गुरु को यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर बृहस्पति को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक सीधी लाइन नीचे से लाइफ लाइन से चलकर ऊपर तक पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पे ऐसी कुछ लाइन होती है बड़े अच्छे राइटर हो सकते हैं, लिखने की कला बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। और यही चीज़ इनकी जो माइंड की लाइन है वह भी दर्शा रही है, क्योंकि माइंड की लाइन काफ़ी नीचे तक झुक रही है, तो इनके अंदर सबसे बड़ी जो खूबी रहेगी वो राइटिंग की रहेगी।
तो यह चाहे तो कुछ इस तरह की जॉब में जा सकते हैं जिसमें राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत हो, पब्लिशिंग में, एडिटिंग में, या जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जॉब्स होते हैं, कुछ इस तरह की जॉब्स में ये ट्राई करेंगे तो इनको काफ़ी प्रोग्रेस मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छा है जो इनको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाला है। काफ़ी रिलीजियस भी ये रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे सिंपथी की लाइंस भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि इन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह की लाइंस चलती हैं, इस तरफ को चलती हैं, यह सिंपथी की लाइंस होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा पूरी लाइन हो तो यह गुरु वल्लया बन जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ा ऐसे गुरु वल्लया बनना चाहिए। लेकिन यह छोटे साइज़ की लाइंस को हम कंप्लीट गुरु वल्लया तो नहीं कह सकते, लेकिन सिंपथी व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइंस को चेक करें। माउंट्स को हमने देखा, माउंट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं इनके। लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है वह लगभग दोनों फिंगर्स के बीच में से यहाँ जो एरिया बन रहा है इस एरिया में से चल रही है, तो प्रॉपरली ना तो बृहस्पति पर पहुँच पा रही है। या अगर बृहस्पति पर पहुँचती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉयल और धार्मिक हो जाता है। लेकिन इस जगह से चलने का काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है कि जो बैलेंस रहता है, यानी इनके अंदर दोनों तरह की खूबियाँ रहेंगी, रिलीजियसनेस भी रहेगी और मटेरियलिस्टिक भी व्यक्ति को थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि गुरु से चलने वाली लाइन वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और हमेशा वो दान करना या ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और थोड़ी से मटेरियलिज्म उसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटर में से लाइन चलती है इसको मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होता, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी रहता है, दुनियादारी के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पर ये लाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी है इनकी। यहाँ पर देख सकते हैं आप इमोशनल दिखाई दे रही है पर्सनैलिटी इनकी, और कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी लाइन है बिना किसी फॉल्ट के। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इनको ज़्यादा नहीं होने वाली। छोटी छोटी कुछ लाइंस हैं नीचे की तरफ चलने वाली, जिसकी वजह से कुछ एजेस में थोड़े से सेटबैक इनको मिल सकते हैं, इमोशनल सेटबैक, अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे हार्ट की लाइन में दिखाई नहीं दे रही। आगे बात करते हैं इनकी माइंड की लाइन की, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर गुरु से एक लाइन, जैसे इसको हम कह सकते हैं विष्णु सिंबल टाइप का सिंबल यहाँ पर बन रहा है, और गुरु क्षेत्र से चलती हुई लाइन इसमें ज्वाइन हो रही है, तो उसका प्रभाव इनकी सोच पर रहेगा, गुरु का प्रभाव यानी कि रिलीजियसनेस इसके कारण आएगा इनके अंदर, और बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता भी रहेगी इनके अंदर, इमेजिनेशंस भी रहेंगी। तो इनको यही सजेशन मैं दोबारा देनी चाहूँगा कि कुछ लिखते रहें, वह इनके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। तो एक ब्रांच जो है इसकी कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चल रही है, तो काफ़ी इसको जो नीचे वाला फोर्क है, जिसको हम नीचे की तरफ चलने वाला एक फोर्क कह देते हैं, जिसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं, तो लिखने के काम में व्यक्ति बहुत ज़्यादा निपुण हो सकता है, इसकी वजह से कल्पनाशीलता काफ़ी ज़्यादा रहती है व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पर जो दूसरी सीधी लाइन है ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है, और काफ़ी तेज़ दिमाग का व्यक्ति होता है जिनके हाथ में ऐसी सीधी लाइन हथेली के आर पार पहुँचने वाली हो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइन ऑफ लाइफ इनके बारे में क्या क्या बता रही है, चलिए देखते हैं। लाइफ की लाइन काफ़ी स्ट्रेट चल रही है, काफ़ी बड़ा एरिया वीनस को मिल रहा है, और कुछ हद तक बाहर की तरफ निकल रही है एक ब्रांच इसकी, तो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ किस तरह से लाइन का जो रुख है वह बाहर की तरफ चल रहा है, और यहाँ पर यह मर्जर है, और कुछ यहाँ से अंदर की तरफ एक लाइन मुड़ रही है, और एक लाइन का इसका जो एरिया है बाहर की तरफ। तो क्लियरली यह इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का जो झुकाव होता है वह फॉरेन सेटलमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर होती है विदेश जाने की और विदेश में सेटल होने की, बसने की। तो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं इनके लिए, यह विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइन जो है यहाँ पर इनके हाथ में जो मून के एरिया के तक पहुँच रही है, तो इसकी वजह से इनको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आती रहेंगी, ये कभी भी विदेश जाकर सेटल हो सकते हैं। और कुछ लाइंस हैं जो जिनको हम वरी लाइंस कहते हैं, वीनस क्षेत्र पर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी तनाव रहता है लाइफ में। लेकिन यहाँ पर इनको बताना चाहूँगा कि यह जो लाइंस हैं यह सिर्फ टेंशन की लाइंस हैं, अदरवाइज़ इनका कोई भी इनको हार्म नहीं होने वाला। जो हार्म देने वाली लाइंस हैं वो कुछ यह हैं जो यहाँ पर दोनों लाइंस को टच हो रही हैं, लाइफ लाइन को और फेट लाइन को। यह जो तीन लाइंस हैं यह इनको थोड़ी सी दिक्कत देने वाली हैं आगे की एज में चलकर,
अगर फर्स्ट लाइन को देखा जाए तो इसकी जो एजिंग होगी लगभग यहाँ पर 35 के आसपास की एज में, यह इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लाइन नहीं है ये तीनों। तो यह जो अगली है ये 38 के आसपास की एज या 40 कह सकते हैं इसको, 38 से 40 के बीच में, और यह लगभग 45 के आसपास की एज में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं, अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी लाइफ में नहीं होने वाली। तो यह जो है इनकी फेट की लाइन, सॉरी जो लाइफ की लाइन है, काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस का जो ऑफ शूट है ये इनको इनकी पूरी लाइफ में तरक्की के चांसेस दिलवाता रहेगा और ये खूब तरक्की भी करेंगे लाइफ में। यहीं पर एक और चिन्ह दिखाई दे रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि यह जो इनकी लाइन ऑफ फेट है ये बहुत ही अच्छी बन रही है, क्योंकि कोई भी मेजर यहाँ पर मुझे रुकावट नज़र नहीं आ रही इनकी तरक्की में। और लगभग जब तक यह पहुँचेंगे अपनी 58 की एज में और 50 प्लस की एज में जाकर ही इनको एक जो कह सकते हैं चेंज आएगा इनकी लाइफ में, यह 50 के बाद आएगा और उसके बाद कुछ ओवरलैपिंग नज़र आ रही है जिसकी वजह से चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव चेंज होगा, और जिसके बाद ये लाइन काफ़ी ऊपर तक जा रही है। तो पूरी लाइफ ये इनके पास इनकम के सोर्सेज कोई ना कोई बनते रहेंगे और यह थ्रू आउट द लाइफ इनकम इनके पास जनरेट होती रहेगी किसी ना किसी तरह से। तो यह एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मैंने कोशिश की कि लगभग सारे के सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं उनको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो रह जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड वीडियो में रह गया हो तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे इसी ईमेल आईडी पे जहां पर मैं इनको इस वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूं रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनके क्वेश्चन का जो भी रह गया उसका आंसर इनको टाइमली मैनर पर दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरे और रोचक वीडियो लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।